आज पूरे झारखंड के लिए गौरव और हर्ष का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के जनप्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री और योग को पूरी दुनिया में पहचान देने वाले हमारे प्रधानमंत्री आज भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर स्वयं उपस्थित हैं। इस गौरवशाली आयोजन की उपस्थिति के लिए मैं झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड की धरती में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला आगमन और ये आगमन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, इस अवसर पर झारखंड की 3.25 करोड़ जनता तहे दिल से उनका स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। झारखंड का योग से पुराना इतिहास रहा है। यह विद्या झारखंड की संस्कृति का मूल्य एवं अभिन्न अंग है। यहाँ का जनजाति समाज संथाली, मुंडा, उरांव हो, अपने दैनिक जीवन से लेकर नित्य तक योग को किसी न किसी रूप में अपनाए हुए हैं। यहाँ के पर्व त्योहारों सरहुल कर्मा में भी योग की झलक हमें देखने को मिलती है। झारखंड में योगदा सत्संग, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र, रामकिशन मिशन संस्थान में नियमित रूप से योग सिखाए जाते हैं। योग के क्षेत्र में देवघर की पावन धरती पर स्थापित रिखिया पीठ की ख्याति देश ही नहीं विदेशों तक फैली है। झारखंड में वर्तमान में 340 योग केंद्र चल रहे हैं, जहां नियमित रूप से लोगों को योग की शिक्षा प्रदान की जा रही है। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय अभी 100 सेंटर स्थापित करने जा रही है, जहां आप लोगों का योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं फिर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के साथ साथ झारखंड भी आगे बढ़ रहा है। यहाँ जो लोग पहुँचे हैं उनका भी आभार, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर जो योग दिवस में पहुँचे हैं उनका भी आभार, और साथ ही साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि इस वैश्विक युग में हमें अपनी कीमती संसाधनों की तुलना में मानव विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और इसी को ध्यान में रखकर मानव विकास के को विकसित करने के लिए योग को आज देश से बाहर दुनिया में योग को स्थापित कर, योग एक विद्या है जोड़ने की। जब योग की बात होती है तो जोड़ने की बात होती है, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत का योग, जो हमारी भारतीय संस्कृति को आज दुनिया, पूरी दुनिया ने ग्रहण करने का काम किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी योग के माध्यम से आज पूरी दुनिया को जोड़ने का